दोस्तों आज की ये कहानी साहिल की है। साहिल जो कि गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है, एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो रात में घरों से बाहर नहीं निकलता। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अचानक ही साहिल के मन में उसके मामा के घर जाने की तलब जाग उठी। साहिल के मामा जी का घर उसके यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से उसके मामा जी के घर जाने के लिए काफ़ी सारी बसें चलती थीं, इसलिए साहिल के लिए जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस परेशानी ये थी कि उसकी मम्मी उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। साहिल ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो पहले पहले तो उसकी मम्मी ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, पर जब साहिल ने 2-3 बार समझा कर कहा तो उसकी मम्मी मान गई और साहिल को उसके मामा के घर जाने की परमिशन दे दी, जिसके बाद साहिल मामा जी के घर जाने की तैयारी करने लगा। साहिल ने तय किया कि वो दोपहर वाली बस से मामा जी के घर जाएगा और शाम तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ठीक दोपहर के 3 बजे साहिल अपने घर से निकल गया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। साहिल अभी बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त करण नजर आया। तभी करण ने साहिल से बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर साहिल बोला, मामा जी के घर जा रहा हूँ। साहिल की बात सुनकर करण बोला, अच्छा तेरे मामा जी का घर बाजपुर है ना? मैंने अपने पापा से सुना है कि वहाँ आजकल कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं और क्या क्या बता रहे थे पापा। करण की बात सुनकर साहिल बोला, ये सब बेकार की बातें, मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर साहिल वहां से आगे चला गया। वो सीधे बस स्टॉप पहुंचा और वहां से बाजपुर जाने वाली बस में सवार हो गया और साहिल की किस्मत इसी के साथ ही खराब होनी चालू हो गई, क्योंकि साहिल जिस बस में सवार हुआ था उस खटारा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अनुमानित वक्त पर साहिल को बाजपुर उतार भी पाएगी, पर साहिल अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बस को चलते हुए अब करीब घंटा भर जैसा होने को था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों की गिरफ्त में जा रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो ऐसे मौसम का रंग बदलना भी लाजमी ही था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अब अंधेरा सच में हो गया था या काले बादलों की वजह से लग रहा था ये नहीं पता, पर फिजा में रोशनी का अब एक कतरा भी नहीं था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद बस बाजपुर गांव पहुंची। बस के रुकते ही साहिल बस से नीचे उतरा। उसके अलावा बस से वहां और कोई भी नहीं उतरा था। साहिल को उतार कर बस वहां से चली गई। साहिल ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा तो आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वहां उसके अलावा ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई सवारी जिसकी मदद से वो अपने मामा जी के घर तक पहुंच सके। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव का ये हाल क्यों है। पहले तो यहाँ रात भर गाड़ियां आती जाती रहती थीं और लोगों की चहल कदमी भी होती थी। साहिल अभी ये सब सोचते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक चाय की टपरी नजर आई। साहिल ने सोचा शायद उस टपरी वाले को पता होगा, लिहाजा वो उस टपरी के नजदीक गया तो उसने पाया कि वो टपरी वाला भी अपनी दुकान बंद करने की ही तैयारी कर रहा है और वो बहुत जल्दी में नजर आ रहा था। तभी साहिल ने अपने काम में व्यस्त उस टपरी वाले से कहा, चाचा इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो?
साहिल की आवाज सुनकर वो टपरी वाला एकदम से चौंक गया और बोला, वो क्या है कि मौसम सही नहीं लग रहा है, ऊपर से उनका भी डर है ना। इस पर साहिल बोला, उनका उनका किनका डर? साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, आप नहीं जानते उनको, लगता है पहली बार आ रहे हैं यहाँ। इस पर साहिल बोला, नहीं ये मेरे मामा जी का घर है, पहले भी बहुत बार आ चुका हूं मैं। साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, साहब मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है, बारिश आए इससे पहले आप निकल लो वरना बुरा फंसोगे। साहिल समझ गया कि जरूर ये आदमी दिमाग से हल्का है वरना ये बेतुकी बातें नहीं करता, इसलिए साहिल ने और कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। साहिल वहां खड़े खड़े घर पहुंचने का कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी उस टपरी वाले ने बोला, कहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, चलोगे? तो इस पर साहिल ने उस टपरी वाले को साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद वो टपरी वाला अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। साहिल अब उस पूरे इलाके में अकेला इंसान बचा था, दूर दूर तक उसे उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, जो कि साहिल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब तो लग रहा था। खैर उसने पैदल चलना शुरू कर दिया क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। झिंगुरों की आवाजें साहिल के कान में लगातार गूंजे जा रही थी। साहिल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली सी बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। साहिल अपनी जगह पर रुक गया, भले वो भूत प्रेत इन सारी चीजों को ना मानता हो मगर बिल्ली का काटा हुआ रास्ता वो कभी भी पार नहीं करता था। साहिल अपनी जगह पर रुका रहा पर वो ये भी जानता था कि इस रास्ते पर कोई आने वाला नहीं है, अगर वो मान्यता मानने गया तो उसे सुबह तक वहीं रुकना पड़ जाएगा। अभी साहिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। ना चाहते हुए भी साहिल को वहां से आगे बढ़ना ही पड़ा, क्योंकि उस रास्ते पर कोई दुकान वगैरह नहीं था तो साहिल पास ही में एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो बरगद का पेड़ बहुत घना था जिस वजह से साहिल बड़े आराम से वहां खुद को बारिश से बचा पा रहा था। अभी वो पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी सामने से उसे कोई आदमी छाता लेकर आता हुआ दिखा। वो आदमी साहिल के पास आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे को छाते की मदद से ढका हुआ था इसलिए साहिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर साहिल एक बात सोचकर काफी हैरान हो रहा था कि जब इस आदमी के पास छाता है तो फिर ये यहां क्यों आया है, ये तो आराम से जा सकता था। खैर साहिल ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपनी जगह पर बस खड़ा रहा। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। अभी साहिल वहां खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहीं उसके पास में खड़े छाता लिए उस आदमी ने कहा, कहां जाना है तुमको? साहिल उस आदमी की ओर पलटा मगर उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। खैर साहिल ने जवाब दिया, यहीं पास ही में जाना है, मेरे मामा जी का घर है, वहीं जा रहा था पर बारिश आ गई। साहिल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा पानी से दिक्कत है तो ये लो मेरा छाता ले लो। इस पर साहिल बोला, तो फिर आप कैसे जाइएगा? इस पर वो आदमी बोला, मैं चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, ये छाता लो। इतना कहकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो छाता हटा दिया।
तभी जब साहिल ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरे से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। साहिल को समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी वह वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने दो और लोग खड़े हो गए। उनका भी चेहरा बहुत ही खौफनाक था। साहिल के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो यहां रुका तो मारा जाएगा, जिस वजह से उसने वहां से दौड़ लगा दी और सीधे मामा जी के घर पहुंचकर ही रुका। तब उसके मामा जी ने उसे बताया कि दरअसल वो लोग पिछले बरसात में बिजली गिरने के कारण मर गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां हर बरसात में भटकती है। और साहिल के मामा जी ने यह भी बताया कि साहिल के गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, इसलिए उन भूतों ने उसे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। देर रात का वक्त, रास्ते पर फैला सन्नाटा और जंगल, ये तीनों मिलकर उस रात एक ऐसे डर का माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे दायरे से बाहर है। ऐसा भी नहीं था कि मैं कार में अकेला था, मेरे साथ कार में दो और लोग भी थे, मेरा छोटा भाई अमर और हमारे पड़ोस का साहिल, मगर वो दोनों मुझसे काफी छोटे थे। मेरे भाई की उम्र तब 16 साल की थी और साहिल भी उसी की उम्र का रहा होगा। दरअसल हम तीनों एक बंदे की शादी में गए हुए थे। हालांकि इस तरह से रात में वापस लौटना ठीक नहीं था, मगर अगले दिन ही अमर का एग्जाम था, इसलिए हमें जल्दबाजी में निकलना ही पड़ा। कार ड्राइव करते हुए मैंने अमर से कहा, सो जा, अभी घर पहुंचने में टाइम लगेगा, कल एग्जाम है ना तेरा। मगर इस पर अमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने चौंकते हुए अमर की तरफ देखा तो पाया कि अमर सीट पर बैठे बैठे ही सो चुका है। मैंने गाड़ी के रियरव्यू मिरर से पीछे देखा तो साहिल भी सो चुका था। इसी दौरान जब एक बार नजर घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 1:15 बजे का। हाईवे पूरी तरह से खाली हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद ही हमारी कार NH-66 पर पहुंची। हालांकि ये हाईवे भूतिया हाईवे के नाम से देश भर में मशहूर है, मगर मैं इन सारी बातों को एक सिरे से नकार देता हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से सैकड़ों बार आना जाना कर चुका हूं। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। भले वो रात अमावस की थी, मगर चांद निकलने या ना निकलने से भूत का क्या लेना देना। यही सोचकर मैं बिंदास होकर गाड़ी भगाए जा रहा था। उस रास्ते पर गाड़ी तो दूर एक लाइट का खंबा तलक भी नजर नहीं आ रहा था, बस जंगल और घना जंगल ही नजर में आ रहा था। अभी मैं कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। मैले कपड़े बिखरे बालों वाला वो आदमी हमारी कार को देखते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। हालांकि वो इशारा लिफ्ट मांगने का नहीं था, मगर उस आदमी की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत है। लेकिन किसी भी अनजान आदमी के लिए इस तरह से गाड़ी रोकना ठीक होगा या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सोच विचार करने के बाद मुझे गाड़ी रोकना ही ठीक लगा, लिहाजा मैंने कार को ठीक उस आदमी के बगल में रोका और उस तरफ यानी जिधर अमर बैठा हुआ था उस तरफ की खिड़की का
कांच गिराते हुए उस आदमी से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? इस पर उस आदमी ने एक नजर अच्छे से देखने के बाद मुझसे कहा, आगे खतरा है, आज अमावस की रात है, इस वक्त आगे जाना ठीक नहीं है। उस आदमी से इतना सुनकर ही बिना कुछ बोले मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये किसी होटल का एजेंट है। दरअसल एजेंट लोगों का यही काम होता है, लोगों को डराकर होटल में रुकने के लिए मजबूर करना और पैसे लूटना। मगर मैं इन सब ठगबाजों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। चलते चलते अब हमारी गाड़ी कशेड़ी घाट इलाके में पहुंच चुकी थी। उस इलाके में रोड बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा संकरा था, क्योंकि रास्ते के अगल बगल का जंगल फैलते फैलते रास्ते तक आ चुका था। अभी मैं उस रोड पर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक मेरी कार के सामने से कोई आदमी रोड पार करने लगा। मैंने एक झटके से ब्रेक मारा, पर चूंकि मेरी गाड़ी काफी रफ्तार में थी इसलिए ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक मेरी कार उस आदमी को टक्कर मार चुकी थी। गाड़ी रुकते ही मेरा पूरा बदन कांपने लगा, ये सोचकर कि मैंने एक आदमी को टक्कर मार दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। झटके से ब्रेक लगाने के कारण मेरा भाई अमर और साहिल दोनों ही जाग चुके थे। तभी अमर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी यहां क्यों रुकी है? अमर के सवाल का जवाब दिए बगैर मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी को ढूंढने लगा जो थोड़ी देर पहले मेरी कार से टकराया था। मगर कार के बाहर मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कार के नीचे भी देखा, मगर वहां कोई आदमी नहीं था। ये वहम तो नहीं हो सकता था, तो फिर वो आदमी गया तो गया कहां? बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला तो मजबूरन मुझे इस घटना को अपना वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद मैं वापस से अपनी कार में आकर बैठा तो मेरे कार में आते ही मेरे भाई ने मुझसे दोबारा पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी के बाहर किसको ढूंढ रहे थे आप? मगर अपने भाई को मैंने कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, ये सोचकर कि खामोखा वो भी डर जाएगा। जिस पर मैंने अपने भाई से कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सो जाओ, और इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं अभी भी उसी ख्याल में खोया हुआ था कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहां। इतनी जल्दी कोई चोटिल इंसान उठकर जा भी नहीं सकता। ऐसा भी नहीं था कि मैंने गलत देखा हो, टक्कर तो सच में हुई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी का बोनट थोड़ा चपटा हो गया था। इसका मतलब साफ था कि टक्कर हुई है। यही सोचते सोचते अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठे साहिल ने मुझसे कहा, भैया ये अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहले तो मुझे लगा कि साहिल शायद नींद में बड़बड़ा रहा होगा, मगर जब मैंने गाड़ी की स्पीड कम करते हुए पीछे देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि साहिल की आंखें खुली हुई थी, यानी वो जागते हुए ऐसा बोल रहा था। मगर गाड़ी के पीछे मुझे साहिल के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था, तो फिर साहिल किसकी बात कर रहा है? मैंने जब साहिल से ये पूछा तो उसने जवाब दिया, अरे यही अंकल मेरे बगल में ही तो बैठे हैं, आपसे बात करना है उनको। साहिल की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर जहां एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा था तो वहीं दूसरी ओर मेरा छोटा भाई अमर डर रहा था। तभी मैंने साहिल से गुस्सा होते हुए कहा, साहिल चुप कर, अमर डर रहा है। मेरे इतना कहने पर साहिल चुप तो हो गया, मगर वो कुछ देर की ही खामोशी थी। थोड़ी देर बाद ही
साहिल अपने बगल में देखते हुए खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। इसी दौरान पता नहीं कैसे भूले भटके मेरी नजर गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर चली गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा बदन सिहर उठा, क्योंकि आरवीएम मिरर पर गाड़ी के पीछे मुझे दो लोग नजर आ रहे थे, एक साहिल और दूसरा वही आदमी जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी से टकरा कर गायब हो गया था। उस वक्त पर मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मेरी धड़कनों की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था मगर मेरी नजर गाड़ी के आरवीएम मिरर पर थी। हालांकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था मगर मैं अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डरा हुआ देख मेरा भाई भी डर जाता। एक जिंदा लाश की तरह मैं इस आंस में गाड़ी चला रहा था कि शायद हमें कोई मदद मिल जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। कशेड़ी घाट इलाका पार करने के कुछ देर बाद ही हमें रास्ते के किनारे एक ढाबा नजर आया। उस वक्त वो ढाबा मेरे लिए लाइफलाइन की तरह था, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार को उस ढाबे की तरफ घुमा लिया। गाड़ी को ढाबे पर लगाने के बाद मैं दौड़कर ढाबे वाले के पास गया और उसे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने मेरे बताए मुताबिक गाड़ी के पीछे वाली सीट और रियरव्यू मिरर पर देखा, मगर अब वो आदमी वहां से गायब था। जिसके बाद मैंने उस ढाबे वाले को पूरी बात खुलकर बताई, तो सारी बात सुनकर ढाबे वाले ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरा देने वाला था। ढाबे वाले के मुताबिक आज से कुछ महीनों पहले उस रास्ते पर एक कार वाले ने एक आदमी को अपनी कार से टक्कर मार दिया था। टक्कर मारकर वो कार वाला वहां से फरार हो गया, जिस वजह से उस बेचारे आदमी की मौत हो गई। लेकिन अगर वो कार वाला फरार होने के बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो आदमी बच जाता। तब से उसी आदमी की आत्मा कशेड़ी घाट के रास्तों पर भटकती रहती है। आगे ढाबे वाले ने बताया कि उसने हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि मेरी कार से उस आदमी की टक्कर होने के बाद मैं उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा था, और अगर मैं भी नीचे नहीं उतरता तो शायद आप लोग आज ये कहानी नहीं सुन रहे होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।